नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूनिक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम कुछ और सम करते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सीटेट, टेट और SSC एग्ज़ाम के लिए। देखो दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट और शॉर्टेस्ट नंबर और अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते या चढ़ते और उतरते क्रम में लिखो या सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करो। जैसे कि दोस्तों, अगर ये सिंपल दिया होता तो हम आसानी से ढूंढ लेते, लेकिन अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है। दोस्तों देखो, इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो नीचे वाला नंबर है उसमें ऊपर वाला नंबर माइनस कर लेते हैं। फिर दो आया दोस्तों, फिर ऊपर वाले नंबर को दो से जो आता है उससे डिवाइड करते हैं, ये आया 2.5। इधर देखें दोस्तों, चार में से तीन गया, एक आया और तीन, ये आया तीन। यहाँ देखें दोस्तों, दो में से एक गया, एक आया और 1/1, ये एक आया। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे पांच में से ये एक आया और 5/1, ये पाँच आया। इधर देखें दोस्तों, देखो अगर यहाँ से हमें सबसे छोटा नंबर पूछा जाए, तो सबसे छोटा नंबर हमारा इनको देख के हम फाइंड करते हैं। सबसे छोटा नंबर एक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट नंबर, वो क्या होगा दोस्तों, 1/2 होगा। दोस्तों 1/2 शॉर्टेस्ट हो गया। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें, हम सबसे बड़े नंबर की बात करें, तो सबसे बड़ा नंबर दोस्तों यहाँ से देखें तो हमें पता लग रहा है सबसे बड़ा नंबर क्या है। दोस्तों सबसे बड़ा नंबर है 5, और 5 किसके लिए आया है दोस्तों, जो 5 आया है वो लास्ट टर्म है अपनी, ग्रेटेस्ट जो नंबर है दोस्तों 5/6। दोस्तों इस तरह से हम कोई भी नंबर दे रखा हो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको चढ़ते और उतरते क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर चढ़ते क्रम में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, तो दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सीधे से बात है सबसे छोटा है जो 1/2 है। फिर दोस्तों इसके बाद है 2.5 है, इसके बाद अपना 3/4 है, उसके सबसे लास्ट में जो है ये है। और उतरते क्रम में लिखे हैं दोस्तों, उसको उल्टा कर सकते हैं हम। दोस्तों कोई भी नंबर दे रखा हो हमें, जो हमारा हर है उसमें से अंश को माइनस करके और अंश को उसी से जो आंसर आता है उसे डिवाइड करते हैं, तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं कि सबसे छोटा कौन और सबसे बड़ा कौन है। दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है SSC, TET और एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, उनमें ये प्रश्न ध्यान से देखें दोस्तों। आगे हम देखते हैं दोस्तों। देखो हमारे एग्जाम में कई बार ये सब देखा जाता है कि x√x - x - √x, और ये टर्म इन्फिनिटी तक चलती है दोस्तों। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो n(n+1) मतलब उसके फैक्टर बनेंगे दोस्तों, और जो अगर यहाँ माइनस दिया हुआ है तो जो छोटे वाला नंबर है वो हमारा आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल देखें दोस्तों, 12 √12 माइनस, देखो यहाँ माइनस आएगा, -12 माइनस, और ये माइनस इन्फिनिटी तक गया दोस्तों। 12 के अगर टुकड़े करें हम, 3 × 4 होता है जो कि n(n+1), तो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो छोटे वाला टर्म होगा। छोटे वाले टर्म में देखो दोस्तों, ये 3 हमारा आंसर होगा। ऐसे दोस्तों अगर ये यही टर्म अगर प्लस में दिया हुआ हो, प्लस में √x, x + √x + और ये भी इन्फिनिटी तक, फिर ऐसी x यहाँ पर भी n और n - n+1 होगा, और यहाँ पे जो अगर प्लस है तो ये प्लस वाला ही हमारा
आंसर होगा, मतलब बड़ा नंबर हमारा आंसर होगा। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 है, तो दोस्तों 20 के जो फैक्टर होंगे वो 4 × 5 होगा। मतलब यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 20 है, 20 20 है यहाँ पे, तो एग्जाम में सम आता तो सीधे ही इसके फैक्टर करेंगे और हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। दोस्तों इस तरह हम कोई भी सम हो उसको आसानी से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कई बार जो हमारे सम डिफरेंट टाइम में दिया जाता है, जैसे कि दोस्तों इसका एक और एग्जांपल करते हैं हम। दोस्तों अगर अंडर रूट यहाँ पे 6 है प्लस अंडर रूट 6 है प्लस अंडर रूट 6 और प्लस ये इन्फिनिटी तक गया दोस्तों, वही है दोस्तों 6 की अगर हम टुकड़े करें 2 गुना में 3 आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 आंसर होगा हमारा बड़े वाले टर्म। और दोस्तों यहीं पे अगर ये अगर यहाँ पे माइनस माइनस है सारे, तो हमारा आंसर होगा वो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों माइनस के केस में, और ये दोस्तों प्लस के केस में। देखो दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक है और एग्ज़ाम में बहुत बार ये जो ये सम है वो पूछे जाते हैं, अधिकतर हमें देखने को मिलेगा कि ये सम हमारे एग्ज़ाम में है, और सीधे ही हमें कन्फ्यूज ना होगी, हमें सीधे ही आंसर टेक करना है दोस्तों, बस उसकी फैक्टर करनी है और उसका आंसर हमें टेक करना है। दोस्तों असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी सम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी बहुत बार ये सम पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों कुछ और सम करते हैं हम। दोस्तों सम एग्जाम में कैसा भी दिया हो, हमें सिर्फ उसका शॉर्ट ट्रिक जानना है। नमस्कार दोस्तों, देखो दोस्तों कुछ और सम करते हैं हम, इम्पोर्टेंट हैं SSC एग्ज़ाम और CTET और HTET एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों जैसे कि y की जो वैल्यू दी हुई है √a और ऐसे चल रहा है जो कि इन्फिनिटी तक जाता है दोस्तों, इन्फिनिटी तक अगर ये है √a तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों ऑलवेज y = a होगा। हमें कुछ नहीं देखना दोस्तों, सीधा ही आंसर लगाना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें y = √3 और ये इन्फिनिटी तक, तो हमें कुछ नहीं देखना दोस्तों, वाई का जो आंसर होगा हमारा ऑलवेज 3 होगा, 3 को टिक करना और हमें आगे बढ़ जाना है। देखो दोस्तों आगे अगर देखें यही, अगर वाई की वैल्यू ए है, √a और वो n तक चलता है दोस्तों, अगर वो लिमिट है उसकी कोई n तक है, तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों y = a जो दिया हुआ है उसकी पावर 2 की पावर n -1 डिवाइड में 2 की पावर n। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम एग्जांपल देखें, देखो दोस्तों एग्जांपल y = दोस्तों 3√3 ऐसे दिया हुआ दोस्तों। तो यहाँ से अगर देखें दोस्तों, अगर काउंट करें हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, अगर n की वैल्यू 5 है तो जो y की वैल्यू जो हमारी निकलेगी दोस्तों सीधे ही a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 2 की पावर 5 -1 डिवाइड 2 की पावर 5। दोस्तों यहाँ से अगर देखें हम 2 की पावर 5 होती है वो होती है दोस्तों 2 की पावर 5 होगी 8 32 -1 और जो डिवाइड में होगा 32। देखो दोस्तों ऊपर से अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये होगा 3 की पावर 31 और डिवाइड 32, ये हमारा आंसर होगा।
दोस्तों, इस टाइप के जो सवाल हैं बहुत आसान होते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं या जो भी एग्जाम में बैठे होते हैं उनको पजल किया जाता है कि इतने बड़े एंड रूट को कैसे सोल्व किया जाए। देखो दोस्तों, बहुत ही आसान सा है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर वो इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो उसका जो फार्मूला होगा इन्फिनिटी के लिए वो सीधा ही जो भी एंड रूट में दिया हुआ है उसकी वैल्यू वही होगी, वाई की वैल्यू। और अगर वो लिमिट है उसकी कोई एन तक दिया हुआ है तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे लिए ये दिया हुआ है। दोस्तों फार्मूले को याद रखो और उसको सोल्व करेंगे। दोस्तों हमेशा ही जो ए है वो तो ए रहेगा ही, और इसकी पावर में देखें दोस्तों ऊपर छोटा है और नीचे एक बड़ा नंबर है। दोस्तों अगर एग्जाम में देखें तो एग्जाम में कई बार सीधे भी हम उत्तर को क्लिक कर सकते हैं बिना कुछ किए, क्योंकि आंसर जो होगा वो ऊपर पावर एक कम होगा और नीचे पावर एक ज़्यादा होगा। दोस्तों हमें कम समय में ज़्यादा सम करने हैं और एक्यूरेट करने हैं। देखो दोस्तों, अगर आगे बात करें हम एग्जाम में, कई बार ये सम भी पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू जो दी हुई है वो है 2 प्लस अंडर रूट 3, और जो एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है वो 1 दी हुई है। दोस्तों हमसे यहाँ से वो एक्स प्लस वाई पूछ सकता है या फिर एक्स माइनस वाई भी पूछ सकता है। देखो दोस्तों, इन दोनों की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम देखें दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, अगर यहाँ से हम देखें एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई वाई होगा, और वाई इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। दोस्तों कभी भी हमें अगर ये अंडर रूट में है कोई भी संख्या और उसका अगर हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है तो रेसिप्रोकल हमेशा ही, जैसे एक्स की वैल्यू अगर ये 2 प्लस 3 दी हुई है तो 1 बटा जो एक्स की वैल्यू होगी दोस्तों वो 2 माइनस रूट 3 होगी। हमेशा ये बात याद रखना कि अगर उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो बीच का साइन चेंज हो जाता है। देखो दोस्तों, हमें यहाँ याद रखना है, अगर इसको हम प्रूव करें, प्रूव करने के लिए रैशनलाइज करना है दोस्तों और कुछ नहीं करना। 2 प्लस 3 को 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो दोस्तों, अपने आप ये आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। देखो दोस्तों, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू किसकी थी, वाई की, वाई इक्वल टू था ये। अगर दोस्तों हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू निकलेगी दोस्तों वो निकलेगी एक्स प्लस वाई, जो एक्स की वैल्यू है दोस्तों वो है 2 प्लस रूट 3, और जो वाई की वैल्यू यहाँ से निकली है 2 माइनस रूट 3। देखो दोस्तों, ये इससे कट गया और जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई वो आई दोस्तों 4। अगर एक्स माइनस वाई की बात करें दोस्तों तो 2 प्लस रूट 3 एक्स की वैल्यू है, -2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, और इसकी जो वैल्यू आएगी 2 रूट 3 आएगी। 2 रूट 3 जो हमारा आंसर होगा वो एक्स माइनस वाई की वैल्यू होगी। देखो दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट ही सम पूछे जाते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो शुरू में दिया होता है एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स प्लस एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, और हमें एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई फाइंड आउट करना था। दोस्तों ये सम बहुत ही आसान है, अगर हमें अगर ट्रिक नहीं पता है तो यहाँ से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कैसे इसको करें, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। बस याद रखना है कि रेसिप्रोकल होता है वो बीच में साइन बदल के उसका रेसिप्रोकल निकाला जाता है किसी भी नंबर का। तो एच टेट और सी टेट में यही एग्जाम पूछे एग्जाम में यही सम पूछे जाते हैं, वही बस स्टेटमेंट को बदल देते हैं। RRB का जो एग्जाम है उसमें भी दोस्तों यही जो सम है बार बार आपको देखने को मिलेंगे, और आपको कंफ्यूज हुए बिना सीधे ही डायरेक्ट इन जो सम का आंसर देना है। देखो दोस्तों, कल जैसे किया था एक और सम करते हैं हम, जैसे हमारे पास गिवन है 4x² माइनस 2x² माइनस 3x
प्लस 3x माइनस 2, ये इक्वल टू 0 है दोस्तों। अगर इसको अगर हम फाइंड आउट करें दोस्तों, यहाँ से वो हमसे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेगा दोस्तों, ये फाइंड आउट करो। तो दोस्तों कल हमने एक्स प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दोबारा फाइंड करते हैं दोस्तों। कुछ नहीं करना जी, माइनस का साइड ले जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा दोस्तों। अगर x से डिवाइड कर दें, ये 2x है, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 2/x हो जाएगा। इसको इस साइड लेके आएंगे दोस्तों, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया, 2 1/x ये हो गया माइनस 3। दोस्तों अगर यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू देखें तो ये निकल गया दोस्तों, इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों। अब जो हमें फाइंड आउट करना है, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास जो जो हमारा सम था, वो जो हमारा आंसर था कि अगर ये वैल्यू दी हुई है तो इसका स्क्वायर करना है दोस्तों। जैसे कल जो हमने सम किया था दोस्तों, उसको याद करें हम, तो इसकी जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पे सम और प्लस में क्या था दोस्तों, 2 था दोस्तों। यहाँ से देखें तो ये 9 हो जाएगा, 9/4 प्लस 2 9 प्लस यहाँ पे 1 है, एलसीएम 4 लेके अगर सोल्व करें इसको 17/4 हो जाएगा। देखो दोस्तों बहुत ही आसान सम है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और हमें इसको कंफ्यूज ना होके बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हमें सोल्व करना है। देखो दोस्तों दो तीन बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये ट्रिक बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको। हमें सिर्फ याद रखना है, तो ये जो वैल्यू है वो याद रखनी है दोस्तों। इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ से देखो, और यहाँ पे जो हमारे पास गिवन होता है एक्स माइनस 1/x की जो वैल्यू दी होती है, ए दी होती है, और इसकी जो वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें वो होती है ए स्क्वेयर प्लस 2 होती है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें कोई कमी है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं कमी को दूर कर सकूं और आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। देखो दोस्तों जो मैं टॉपिक करवाता हूँ वो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट होगी से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही सहयोगी होंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों से, ताकि सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। दोस्तों थैंक्स फॉर हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद दोस्तों।